यहाँ से बोटिंग का यहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं घर तक जाने के लिए। भी आ गई है। हाँ जी, मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि रात में कभी भी पानी आ सकता है, क्यों आप जो नदी का मुहाना है इसी तरफ हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे है कम से कम 1.5-2 किले की, 1.5-2 किले की, 1.5-2 किले पटरी टूटी है और पूरा पानी जो चंद पर खनु वाला त्यानो लोपो सब सबके सब गाँव। तो मौसम ने फिर करवट ली है और आप देख सकते हैं कि 2 दिन से बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। आज सुबह से यहाँ बारिश हो रहा है, देख सकते हैं कि ये सड़क अभी खनु वाला रोड है का पुल टूट चुका है और जो यहाँ के जो हालात है बाढ़ की स्थिति बन चुकी है आपके सामने है। कैसे मोटरसाइकिल आ रही है, कारें कैसे आ रही हैं और पीछे ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने हरी टंकी है, ये खन्नू वाला गांव है और ये पूरी तरह डूब चुका है। बाकी पूरी स्थिति का जायजा लेंगे यहाँ के। सत श्री अकाल जी, ये खन्नू वाले के क्या हालात है जी? खन्नू वाले में बहुत ज़्यादा पानी आया, घरों में पानी पड़ रहा। अच्छा जी, तो आज सुबह से ही बरसात हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है? हाँ, सुबह से बरसात है। सोम नदी की पुल टूट गई। अच्छा, तो इसमें कितना नुकसान है फिर? बहुत ज्यादा, काफी गांव डूब गए, चंद पर डूब गया, खनोला डूब गया जी। अच्छा, कहाँ से आए हो भाई? इधर से आए क्या? लेदी से जी। लेदी जी, सड़क को क्रॉस करके आए हो? इधर से जी। तो कहाँ तक आई है ऐसी हालात? गाँव तक है जी, गाँव तक, लेदी तक। हाँ जी, तो मोटरसाइकिल निकल रही है जी? मोटरसाइकिल निकल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाढ़ के हालात बने हुए हैं और वैसे तो ये हर साल का ही काम है जी, हर साल का ही काम है जी ये। हाँ, हर साल आता है जी, पहली बार आया जी। अच्छा, इतना पहली बार आया जी, जी। क्या वजह है जी? मतलब पुलिया टूट गई जी। पुलिया टूट गई है जी। तो यहाँ पे बता रहे कि किसी को डूबा भी है यहाँ से कोई? हाँ, एक आदमी डूबा है जी। पता है कौन है, कहाँ का? मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक आदमी ढूंढा है, ढूंढ रहे हैं अभी उसको लोग। अच्छा, ढूंढ रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं जी, गोताखोर भी आए हुए हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं जी। तो वो कहाँ का बता रहे हैं? आगे चंदपुर में। हाँ जी, चंदपुर में, चंदपुर में। तो मैं अभी बोल दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ियों को दिखा सकते हैं कि पानी में डूब के कैसे गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है और कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल को तो निकलना मुश्किल ही हो रहा होगा जी। नहीं, मोटरसाइकिल तो अब तो निकल रही है। अच्छा, स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल को भी दिक्कत थी लेकिन अब निकल रही है। पहले ज़्यादा पानी था? पहले ज़्यादा था, ये अब थोड़ा कम है। अच्छा, अब कम है। दोस्तों खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चंदपुर है, जोगीवाड़ा है, पृथ्वी पर बहुत से गांव, करीब 1 दर्जन गांव लगते हैं और जो मतलब डूब चुके हैं और कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो हम आपको आगे खानपुर भी, सॉरी खनुवाड़ा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। खबर को साथ के साथ शेयर करते रहे दोस्तों। आप देख रहे हैं CT71। ओ, राम राम जी। राम राम जी। पीछे चंदपुर के पास से पटरी टूटी है, कम से कम 1.5-2 किले की, 1.5-2 किले की, 1.5-2 किले पटरी टूटी है और पूरा पानी जो चंदपुर खनु वाला त्यानो लोपो सब गांव डूबे पड़े हैं। तो कई गांव पे ऐसा करीब 1 दर्जन के आसपास, 1 दर्जन के आसपास कम से कम गांव डूब गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोम नदी अपने पूरे उफान पर है और ये सड़क है, मेन रोड है, जहाँ पे आप पानी देख सकते हैं कि देखो इस यहाँ से निकल रहे हैं गाड़ियाँ, तो कहीं ना कहीं खतरा तो है। खतरा तो है, बाकी भाई साहब मोटरसाइकिल वालों को ज्यादा रहता है, गाड़ियाँ फिर भी चल जाते हैं। वैसे तो पक्का रोड है, मगर मोटरसाइकिल का बंद होना खतरा रहता है ज्यादा भाई साहब। अच्छा, मोटरसाइकिल का खतरा कहीं ना कहीं खतरा है और मतलब ये हर साल है जी यहाँ पे? क्या हर साल काम है जी? क्या वजह है? ये बारिश का पानी है जी, पीछे पटरी टूट जाती है, कहीं ना कहीं खनन भी हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, खनन का काम है जी। जी जी जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सोम नदी है जो पहाड़ों से निकल के आ रही है और हर साल का काम है और आज तो सुबह से ही यहाँ पे बारिश हो रही है। तो इधर हम गाड़ी को दिखाएंगे, अगर तो देख सकते हैं गाड़ी कैसे निकल रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, संभल कर रहें और घर के अंदर रहें। खनुवाड़ा गांव के ये हालात है कि पूरा का पूरा गांव वहाँ सड़क पर है। आप देख सकते हैं सुबह से बारिश हो रही है, गाढ़ क्षेत्र है और सोम नदी है और यहाँ के हालात ये है कि इतना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोट, मतलब ये लग रहा है कि ये गली ना होकर ये नदी है। यहाँ से बोटिंग का यहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं घर तक जाने के लिए। तो हमारे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी है हरप्रीत जी। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहे खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जी। सर कहीं ना कहीं नुकसान तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, नुकसान हुआ जी बहुत ज्यादा। अच्छा जी, एक व्यक्ति की डेथ भी हो गया डूब कर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ही बुरी त्रासदी है जी। जी जी। तो अचानक पानी जो एकदम आ गया, 15 मिनट के अंदर अंदर पानी जो उस गाँव में आ गया और लोगों को बिल्कुल भी समझने का मौका नहीं मिला जी। अच्छा हरप्रीत जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कम से कम 5 फुट पानी तो है गलियों में जी। तो जैसे घर में जैसे पशुओं का चारा है या अपना अनाज है,
तो नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान जो लोगों की गेहूं की जो साल भर के लिए लोग रखते हैं वो सारी खराब हो गई है। लोगों के जो भैंसों का चारा था भूसा वगैरह वो सारा खराब हो गया। जो हरा चारा था तो सारा खराब हो ही गया। पानी खेतों में सारा फिर रहा है। बिल्कुल सर, तो इस गाँव के दो तीन गाँव के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया की चंदपुर है, ये जोगीवाड़ा मानपुर काफी गाँव है। तो सर क्या वजह है कि हर साल ये नुकसान होता ही है इस एरिया सर में? ये जो पटड़ी बंधी हुई थी तो जो यहाँ के लोगों को कहना है, जो ठेकेदार है उन्होंने सही तरीके से पटड़ी का निर्माण नहीं किया। कमजोर पटड़ी थी, कमजोर पटड़ी टूट गई है। अब कम से कम 2 किलो के फ्रंट के हिसाब से वो पटड़ी टूटी हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तो हम कमी कह सकते हैं, प्रशासन की कमी है सर। जब तक प्रशासन सिर पे खड़े होकर काम नहीं करवाएगा तो आगे ठेकेदार कहाँ पे काम करेगा। हमारे साथ उपकार जी है। तो सर देखो कहीं ना कहीं मुश्किल से आदमी अपना गुजारा कर रहा है आज महंगाई के जमाने में, और अगर उसका नुकसान हो रहा है, फसल का नुकसान है, तो संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई साहब। इस टाइम जो त्रासदी आप देख रहे हैं जो बहुत दर्दनाक है ये। हाँ बिल्कुल, आपको पता है मेंबर साहब ने बताया एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी। और जिस टाइम जब मैं 11 बजे अपने पूरी गाँव वहाँ पाठ का भोग था, हमारे पास जय सिंह जी का फोन आया, बल्कि उन्होंने वीडियो वगैरह भी उन्होंने बना के भेजी। हाँ ये हो गया, अभी अब लंगर की व्यवस्था भी गुरुद्वारे की तरफ से आ रही है, अभी थोड़ी देर में गाड़ी पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कहीं ना कहीं देखो मानवता की सेवा ही हमारा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहे, और ये पानी बढ़ भी सकता है क्योंकि अगर रात को भी थोड़ा चौकसाई से में रहना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। तो मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि यहाँ पर तहसीलदार साहब पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बोट भी आ गई है। हाँ जी, मैं हाँ प्रशासन से अपील करूंगा कि रात में कभी भी पानी आ सकता है, क्यों अब जो नदी का मुहाना है इसी तरफ हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे लोगों ने खेतों में पॉपलर ला रखे हैं। एक खेत एक सरा पानी की जो निकासी की जगह ये बनी, निकासी नहीं हो रही है। तो मेरे प्रशासन से अपील है कि रात को अलर्ट रहे, बिल्कुल किसी भी वक्त यहाँ पर पानी आ सकता है और लोगों की मदद करनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, देखते रहिए CT71।